क्योंकि खाली चाय नुकसान करती है पेट के लिए। और बाकी आज का मौसम भी बहुत ही अच्छा हो रखा है, सुहाना हो रखा है। और बाकी हमारे भी यहाँ पे एक क्यारी है, लेकिन मैंने अभी उसमें कुछ भी नहीं बोया है, नीतक के पापा से मैंने बीज मंगा दिए थे जो ना ऐसी बच गई है, क्योंकि बहुत टाइम से ना मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था बिल्कुल भी। तो मैंने वो क्यारी बनाई है, किनारे किनारे लहसुन डाल दूंगी। और ये मैंने भाभी से ले ली है थोड़ी सी राई। आज मिल गया है मुझे कुदाल, और अब इससे करती हूँ मैं क्यारी का काम। बाकी यहाँ पे ना धनिया का जो होते हैं दो पीस कर दिए हैं, इससे ना धनिया जल्दी हो जाता है। और अगर हम साबुत धनिया को ऐसे बो देंगे ना तो नहीं होता, क्योंकि पीस तो धनिया के अंदर ही होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सबसे पहले आप सभी को राधे राधे। मेरा नाम है सरोज और स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सरोज ढोंडर ब्लॉग में। तो आज की वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है मेरी मॉर्निंग से, और अभी नाश्ता पानी कुछ भी नहीं हुआ है, मैंने पूजा वगैरह सब कर ली है। भैया तो चले गए थे सुबह ड्यूटी, और अभी आई हुई मैं छत पे चाय पीने के लिए, क्योंकि सुबह का मौसम ना बहुत ही अच्छा हो रखा है आजकल, क्योंकि ठंड भी होने स्टार्ट हो ही गई है। तो सुबह की धूप बहुत ही अच्छी होती है सेहत के लिए भी, और वैसे भी अच्छी लगती है सुबह की धूप। तो यहाँ पर मैं अपनी चाय ले आई हूँ, तो पहले मैं चाय पी लेती हूँ। तो चाय वगैरह तो मैंने पी ली है, और बाकी उसके साथ थोड़ा नमकीन भी लाई थी, क्योंकि खाली चाय पीना अच्छा नहीं होता, सुबह सुबह कुछ ना कुछ खाना ही पड़ता है उसके साथ, क्योंकि खाली चाय नुकसान करती है पेट के लिए। और बाकी आज का मौसम भी बहुत ही अच्छा हो रखा है, सुहाना हो रखा है। तो आज का मौसम आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा हो रखा है, खिली खिली वाली धूप आ रखी है। और बाकी सामने खेतों में भी अब ट्रैक्टर लग गया है, और मैं गेहूं वगैरह बो दिए हैं। पहले तो गन्ना था, लेकिन अब गेहूं बो दिया है, सामने देख सकते हो आप लोग उधर, और कितना अच्छा लग रहा है हरा हरा, ये देखिए। और बाकी हमारे भी यहाँ पे एक क्यारी है, लेकिन मैंने अभी उसमें कुछ भी नहीं बोया है, नीतक के पापा से मैंने बीज मंगा दिए थे जो भी लाए होंगे, पालक धनिया मूली वो बीज लेके आ गए थे कल। तो देखती हूँ कब बनाती हूँ मैं क्यारी, आज बनाऊंगी या कल बनाऊंगी, थोड़ा सा बोल देंगे, ऐसा होता कि अपने खाने के लिए भी हो जाता तो अच्छा लगता है अपने घर की। और बाकी मुझे आज सूट भी सिलना है मम्मी का, एक वो तो मैं बाद में सिलूंगी, पहले नीचे चलती हूँ नाश्ता वगैरह बनाती हूँ। भैया तो चले गए थे सुबह सुबह ड्यूटी, और सुबह ही चले जाते हैं 6 बजे, और अब मैं चलती हूँ नीचे। और अभी नित्या भी नहीं उठी है, बिल्कुल सो रखी है आराम से, और सब सो रखे हैं मतलब अभी। तो चलती हूँ नीचे, और ये मेरा चाय नमकीन। तो गाइस मैं मिल रही हूँ आपको सीधा शाम को, और अभी आज करूंगी मैं क्यारी का काम, जैसे मैंने आपको बोला ही था पहले कि मैं क्यारी का काम करूंगी, क्योंकि बहुत टाइम से ना लोगों की क्यारी तो हो भी गई, सामने हमारे पड़ोसियों की क्यारी भी हो गई, इधर सबकी क्यारी हो गई, और बाकी भाभी लोगों ने भी सबने क्यारी कर दी, लेकिन मेरी क्यारी ना ऐसी बच गई है, क्योंकि बहुत टाइम से ना मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था बिल्कुल भी। तो आज जाके मैंने सोचा कि मैं क्यारी का काम करूंगी, और नीतिक के पापा ने मुझे कब से बोल रहे क्यारी बो दो, क्योंकि ऐसा होता ना अपनी क्यारी की चाहे छोटी सी भी मतलब थोड़ी सी भी कोई चीज़ मिल जाए ना तो वो अच्छा लगता है। और कुछ मतलब सामने सामने ऐसा हो जाता ना कि कभी कुछ नहीं रहता, कभी धनिया के पत्ते और कभी मूली के पत्ते, हरी सब्जी बनाने के लिए जो भी हो अपनी क्यारी का अच्छा ही लगता है। तो मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ पर करूँगी मैं क्यारी का काम, ये खेत तो किसी और का है, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा अपने साइड ना वो कर देते हैं, मतलब कुछ बो देते हैं। तो दिखाती हूँ मैं आपको, ये है हमारा घर, और यहाँ पे हमारी क्यारी, यहाँ पे बनाऊंगी मैं अभी यहाँ पे। और इधर साइड ना उन जिनका ये खेत है उन्होंने घास बो रखी है, वो सामने जिनका घर है उन्होंने यहाँ पे घास बो रखा है, और यहाँ पे थोड़े थोड़े किनारे किनारे भी बोऊंगी मैं क्यारी। और बाकी ना सामने देखिए इधर भी ना भाभी ने क्यारी बना दी हमारे पड़ोसियों ने, और उधर की साइड भी क्यारी बन चुकी है पूरी, और बाकी मेरी ही रह गई है। तो हमारा कुदाल ना टूट गया है, वो नीता ने तोड़ दिया है, नीता खेल रही थी उससे। तो अब मुझे जाना पड़ेगा भाभी के घर कुदाल मांगने के लिए, क्योंकि हमारा तो है नहीं, तो भाभी से ही मांगती हूँ उनके पास है कि नहीं है। तीन भाभियाँ हैं, तीनों से मैं देखती हूँ किसके पास मिलता है मुझे। इसे ले लिया है, ये क्या है, कुटला, और हम बोलते हैं कुटला, तो इन्हें भी सिखा दिया मैंने कुटला बोलना है ना। हाय गाइस, आज मिल गया है मुझे कुदाल, और अब इससे करती हूँ मैं क्यारी का काम। बाकी पूजा और नित्या है अंदर, और बाकी दोनों गए हैं ड्यूटी, भैया और नित्या के पापा। तो आज का काम मेरा क्यारी का होने वाला है,
और बाकी सुबह से ना वीडियो बनाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला क्योंकि घर के बहुत सारे काम हो गए थे मेरे। तो आप लोग ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे कि मैं बोलती हूँ घर का काम, लेकिन क्या करें, ये रियल है तो मैं ऐसे ही बोलूँगी कि घर का काम होता ही है। कभी अब मेरे सूट भी आ रखे थे सिलने के लिए, तो मैंने मम्मी का सूट काट रखा था पिछले वाले वीडियो में, आपने देखा होगा, तो मैंने वो भी थोड़ा बहुत सिलने की कोशिश की, थोड़ा बहुत सिला है, लेकिन मैं भी आपको नहीं दिखाऊंगी। जब मैं पूरा सूट तैयार कर दूंगी और मम्मी पहन भी लेगी तभी दिखाऊंगी मैं आपको। बाकी आप करती हूँ मैं स्टार्ट अपना क्यारी का काम। और अभी का मौसम देख सकते हो आप, शाम का मौसम कितना अच्छा हो रखा है, सूरज भगवान जी भी अभी है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो करती हूँ क्यारी का काम। और बाकी ना आजकल ठंडियों की धूप तो अच्छी होती है, गर्मियों की धूप हो जाती है, इतनी धूप में तो रहा ही नहीं जाता काम करना, लेकिन ठंडियों की धूप में अच्छा लग रहा है काम करना। गाइस मैंने इतना सा खोद दिया है यहाँ पे, ये देखिए। और बाकी ना यहाँ पे बहुत बड़ी घास हो रखी है और मेरे पास दरांती अभी अंदर है, अंदर जाने का मन नहीं कर रहा, तो मैं इसी से निकाल रही हूँ इसे। यहाँ पे देखिए घास, बहुत सारी घास हो रखी है, तो अब मैं ये घास को निकालती हूँ। तो यहाँ से मैंने घास उखेड़ दी है और बाकी ना मैंने इतना सा खोदा है, ये देखिए ना बहुत अजीब सा हो रहा है खोदने में, क्योंकि ये ट्रैक्टर सिर्फ इधर ही आया, इधर नहीं आया ट्रैक्टर, और बहुत ज्यादा घास जम गई है, तो इसे खोदने में ना बहुत दिक्कत हो रही है और मेरे हाथों में ना दर्द होने लग गया, क्योंकि हैबिट नहीं होती ना जब, तो ऐसे होता है। सो गाइस यहाँ पे मेरी तीन क्यारी बन गई, एक उधर के लिए की है मैंने और एक बीच में और एक यहाँ पे की है। तो अब मैं बीज लाती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ मैंने क्या क्या बीज बोऊंगी यहाँ पे। और शाम का मौसम ना देखिए, सूरज भगवान जी अपने घर जाने ही वाले हैं, देखिए इतने प्यारे लग रहे हैं। ये ना बहुत ज़्यादा पसीना आ गया, ये देखिए काम करते करते। अब मैं बीज लाती हूँ अंदर से, क्योंकि बीज अंदर ही है, और क्या क्या बीज है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये है मूली का बीज और ये रहा गाजर का बीज, और थोड़ा सा बोऊंगी मैं धनिया, ये देखिए धनिया भी बो दूंगी तीनों क्यारे के लिए, तीनों लाई हूँ मैं। सो गाइस मैंने थोड़ा सा लहसुन ले लिया यहाँ पे, मैं जो मैंने वो क्यारी बनाई है किनारे किनारे लहसुन डाल दूंगी। और ये मैंने भाभी से ले लिया थोड़ी सी राई, तो मेरे ना बहुत सारे बीज हो गए यहाँ, राई मूली और गाजर और लहसुन और धनिया, धनिया मैंने भी यहाँ पर रखा है। बाकी सबसे पहले मैं ड्राई बो दूँ क्योंकि ये मेरे हाथ से। तब आप लोगों को खा के दिखाऊंगी। भाभी देख रही है और हंस रही है वहाँ से, वो देखिए मुझ पे। मूली के जो बीज होते हैं उनको भी मैं साइड साइड में ऐसे बो दूंगी, तब जो वो वाली मूली होती है खाने वाली मूली वो बोती है, लेकिन पत्तों वाली राई मैंने बो दी है इसमें, और ये मूली होगी हमारी खाने वाली मूली, तो इसमें ऐसे जड़ वाली मूली होगी, मूली आती है, हम सलाद खाएंगे। सलाद तो खाते ही है। कि नहीं तो मैंने यहाँ पे ना धनिया के जो होते हैं दो पीस कर दिए हैं, इससे ना धनिया जल्दी हो जाता है, और अगर हम साबुत धनिया को ऐसे बोल देंगे ना तो वो नहीं होता, क्योंकि बीज तो धनिया के अंदर ही होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे ना नीचे यहाँ फर्श पर रख के, मतलब रोड पर रख के, और यहाँ पे इसके दो दो कर दिए हैं पीस। तो अब मैं इसे बोऊंगी, ये देखिए, और इसे बोऊंगी बीच वाली कैरी में। क्यारी का सारा काम कंप्लीट हो गया है, तो आज हो ही गया है फाइनली। और बाकी इतना सा धनिया बच गया है और बाकी मैंने बो दिया है, वैसे छोटी छोटी क्यारी बनाई है क्योंकि उन्होंने भी घास बो रखी है अपनी, तो इसलिए ना उन्होंने भी गाय के लिए घास बोई, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता ज्यादा उधर उधर करती, तो मैंने छोटी छोटी क्यारी बनाई, इतना भी हो जाएगा तो बहुत है। बाकी मैंने लहसुन और वो गाजर और वो क्या कहते हैं मूली वगैरह सब बो दी है, जो भी होगा जितने भी होगा। और नित्या भी उठ चुकी है, अब नित्या को दूध वगैरह पिलाती हूँ, चाय वगैरह। और यही थी मेरी आज की वीडियो छोटी सी, तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं सरोज मिलूंगी आपको बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए।
बाय बाय। और पीछे से देखिए नित्या और नित्या की ताई आ रहे हैं दूध लेके। नित्या उठ गई थी और सीधा गई ताई के घर के, मुझे ताई की याद आ रही है। तो तब तक के लिए बाय बाय। बोला चा बोल ले बोल गा।